आश्चर्य की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं जारा शेरफ, क्राइम टुडे न्यूज। वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने कुछ ही घंटों में एक शातिर 5 अफराद की गैंग को किया गिरफ्तार। कल रात में करीब 11 बजे सुल्तान बाजार पुलिस हुदूद इलाके में एक शख्स से 12 लाख रुपए लेके फरार हो गए थे, जिसकी उन्होंने सुल्तान बाजार पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने अपनी काबिलियत बताते हुए ये पांचों को किया गिरफ्तार। आज ईस्ट जोन DCP रविंदर ने तफसीलात बताई। मोहम्मद अतीक के साथ क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद। ఈ రాజధాని టైల్స్ ఏవైతే కంప్లైంట్ ఉన్నాడో ఫిర్యాదు ఉన్నాడో దివ్యేష్ భయ్యా ఇంకో సిద్ధంబర్ బజార్ మే ఏక్ టైల్స్ కా షాప్ హై వో షాప్ క్లోజ్ కర్కే ఉన్కా హోండా యాక్టివా టూ వీలర్ పే జో ఉన్కా ఉస్ దిన్ కల్ కా కలెక్షన్ థా 12 లాఖ్ రూపే లేకే ఉన్హో ఉన్ ఘర్ రామ్కోటి మే హై ఓ ఘర్ కో నిక్లే థే తో రాస్తే పే आदित्य हॉस्पिटल पार करने के बाद दुबलगुंडा एरिया में एक मुस्लिम लोग उनका व्हीकल को टू व्हीलर से हिट करके उन्हें गिरने के बाद ये दिव्य साड़िया का स्कूटर और उनके साथ जो 12 लाख के बैग था उसके साथ भाग गए। तो उसमें उन्होंने कल रात में 9:30 बजे सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया। तो कंप्लेंट के हिसाब से हम केस रजिस्टर करने के बाद अभी ये केस डिटेक्ट करने के वास्ते इन्वेस्टिगेशन शुरू करा गया। उसमें हमारे लोकल EGO के ऑफिसर्स, सुदामर के ऑफिसर्स और टास्क फोर्स के ऑफिसर्स दोनों मिल के एक कल्प्रिट्स को पकड़ने के वास्ते कल रात से जांच शुरू कर दिए। वो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आज इंफॉर्मेशन के ऊपर बालापुर में करीब 12 बजे हम 5 मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिए। वो 5 मुजरिम है, एक आशीष और बाद में जगदीश सिंह, बाद में मोहम्मद आमिर और राजा मिश्रा, ये मोहम्मद हबीब, ये 5 लोगों को गिरफ्तार करके उनके पास से 10,70,000 बरामद किए। और उसके साथ साथ जो उन्होंने कल वो गुनाह करने में जो यूज करे थे 2 व्हीकल्स टू व्हीलर्स, उसको भी सीज करें और उसके साथ कंप्लेनेंट का जो व्हीकल लेके गए थे वो भी रिकवरी करें। और इसमें हम और दोनों को मल्लिकार्जुन और आसिफ को वो अफसकानी है और उनके पास से 1,70,000 भी बरामद करने का है। अभी फिलहाल तो 5 लोगों के पास से 10,70,000 रुपये और 3 व्हीकल्स रिकवर करें। और ये केस की डिटेल्स में गए तो इसमें जगदीश सिंह बोल के जो मुस्लिम है उन्होंने जैन टेज ये अपने के शॉप के सामने जैन टेज बोल के एक शॉप है उस पर काम कर रहे हैं। ये कंप्लेन के शॉप में उनके एम्प्लॉय नहीं आते, तो जब उन्हें जगदीश सिंह से काम लेता था तो इससे उनको पता चला, जगदीश सिंह को पता चला कि रोज रात में इन लोग कंप्लेन जो भैया है उन्होंने रोज रात में उनको कलेक्शन रहता था वो लेके घर के घर को जाता है। तो उनको पता है कि ये लोग एवरीडे नाइट पैसे लेके घर को जाता है। तो ये जगदीश को पैसे का जरूरत थी और उसके साथ और एक आशीष रुपये के फ्रेंड है मंगलनाथ का और उनको भी पैसे की जरूरत थी। तो उन दोनों ये प्लान करें कि इनको जब घर निकलते पैसे लेके वहाँ बीच में अपसेट करके वो पैसे को लेके जाना बोल के प्लान करें। ये प्लान के मुताबिक अभी आशीष ने क्या किया, दोनों से रहोगा बोल के और दूसरे मुजरिमों को भी इसमें दूसरे मुजरिम मल्लिकार्जुन और बाद में हबीब, बाद में आमिर, बाद में आसिफ, ये 5 लोगों को उनका फ्रेंड जो है उनको भी मिला लेके वो पूरा प्लान करें पैसा भी उनके पास से बीच में अपसेट करके पैसा ले लेना बोले लूटने ना बोलिए। और उसके हिसाब से हम लोग लास्ट सैटरडे 11 तारीख को प्लान किए, लेकिन 11 तारीख को दिन में वो दिव्यश जल्दी निकल गया था तो उनका फेल हो गया। तो कल सैटरडे उन लोग फिर आगे
छह लोग मिलके ऑफिस के गार्डन के पास खड़े होके और उनका इंतजार करे। जब उन लोग पैसे लेके निकल जा रहे थे तो उनको पीछा करके जब वो आदित्य होटल पार कर रहे थे तो जब ये मल्लिकार्जुन उनका टू व्हीलर को इनका टू व्हीलर से हिट करने के बाद जब वो गिर गया तो उनको उठाते उनके हेल्प करने का ये लेके वो उनका व्हीकल में जो पैसे थे 12 लाख की बैग और व्हीकल था तो होंडा एक्टिवा को लेके चले गए। उसके पीछे जो उनके साथी थे चार लोग वो भी उनके टू व्हीलर के उनका पीछा करके बाद में चार लोग ब्रिटिश से बालापुर चले गए। तो आज हमारा हमको इन्फॉर्मेशन आया था कि बालापुर में इनको है तो कल्प्रिट हम जाके उनके 5 लोगों को गिरफ्तार करें तो 2 लोग अपस्टैंड हो गए या 5 लोगों के पास से 10,70,000 रुपये दो मुस्लिम के व्हीकल एक कंप्लेंट का व्हीकल हम सीज करें और दोनों को भी जो मल्लिका जो आसिफ जो अपस्टैंडिंग है उनको भी अरेस्ट करके बाकी के 1,70,000 रुपये भी तो जो अभी ये जो 24 घंटे में कल रात में 8:30 को हुआ हमको इनमें से 9:30 को मिला और 24 आवर्स में इमीडिएटली एक्शन मतलब केस क्रिएट करने में हमारे वेस्ट जोन टास्क फोर्स वेंकट रेड्डी और सुल्तानगर पुलिस इंस्पेक्टर शिवशंकर और वापसी और बाद में इसके हमको मंगल आठ का इंस्पेक्टर भी शिवपाल भी इसके साथ दिया उन लोगों को माइंड और हमारे रीपा रेड्डी सर डी सी पी ट्रांसपोर्ट और पूरा टीम को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इमीडिएटली राबरी जो हुआ था उसके 24 घंटे में उसको नैप करके केस क्रिएट किया। और अभी ये जो 5 मुजरिम हम अरेस्ट किए हैं उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हम वेरीफाई करें लेकिन अभी तक जो हमारे पास रिकॉर्ड मिले हैं उसमें जेल के तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अभी पहला टाइम वो राबरी किए हैं लेकिन और क्योंकि अभी हमको जनता तक वही घंटे हुआ अभी जो रिकॉर्ड वेरीफाई करें उसमें तो अभी नहीं है और उनको फर्दर वेरीफाई करेंगे अगर वेरीफाई करके अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो डेफिनेटली हम सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए मैं ज़ारा शेख।